दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रूल्स के बारे में, जो रूल आपको हेल्प करेगा कि आप सैलरी से कैसे अमीर बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सैलरी से भी बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए और ये रूल आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही सिखाएगा। बेसिकली ये रूल आपको हेल्प करता है कि आप अपने घर का किस तरीके से मंथली बजट बना सकते हैं, यानी कि आपका जो भी मंथली इनकम आता है उसमें से आपको कितना परसेंट पैसा इंपॉर्टेंट चीजों पे खर्चा करना चाहिए, यानी कि जो जरूरत की चीजें हैं, कितना परसेंट पैसा आपको लेस इंपॉर्टेंट चीजों पे खर्चा करना चाहिए, यानी कि जो कम जरूरत की चीजें हैं, एंड कितना परसेंट पैसा आपको सेव एंड इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि फ्यूचर में आपका जो भी फाइनेंशियल गोल्स है उस गोल्स को आप बिल्कुल आसानी तरीके से अचीव कर सके। एंड ये जो रूल है वो काफी पॉपुलर है यूएस में, यूरोप में, या तो जो भी डेवलप्ड कंट्री है वहां पर, और यहाँ पे इंडिया में भी बहुत सारे लोग इस रूल्स को अभी फॉलो कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जिस रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं उस रूल्स का नाम है 50-30-20 रूल। एंड मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से एग्जांपल के हेल्प से समझाऊंगा कि ये 50-30-20 रूल क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आपने अभी अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, यानी कि अगर आपने अभी अभी जॉब करना स्टार्ट किया है, या तो आप फ्यूचर में जॉब करने वाले हैं, या तो आप ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जो जॉब कर रहे हैं, सारे ही लोगों के लिए 50-30-20 रूल जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा एंड आप अपने घर का जो भी मंथली बजट होता है उसको अच्छे से कर पाएंगे, जिसके थ्रू आपका हेल्प ये होगा, आपको फायदा ये होगा कि आपका जो फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स है उसको आप बिल्कुल आसानी तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इस वीडियो को स्पॉन्सर्ड किया है रीलेबल ने, एंड रीलेबल बेसिकली अन अकेडमी का ही एक प्लेटफॉर्म है। अन अकेडमी आपको पता होगा जो कि एक बहुत बड़ी एडुटेक कंपनी है, बिलियन डॉलर की कंपनी है, तो उनका ही एक प्लेटफॉर्म है रीलेबल। एंड रीलेबल उन लोगों को हेल्प करता है जिनको जॉब की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर रीलेबल का बहुत सारे कंपनीज के साथ में टाइप्स होता है। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम हो गया, अपग्रेड हो गया, क्रेड हो गया, मीशो हो गया, ग्रो हो गया, या तो जूमकार हो गया, इस तरीके के बहुत सारे कंपनीज के साथ में रीलेबल का टाइप होता है। तो यहाँ पे आप रीलेबल के हेल्प से अपना एक ड्रीम जॉब पा सकते हैं। एंड यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास में कोई भी डिग्री नहीं है तो यहाँ पे बेसिकली आपको आपके डिग्री के बेसिस पे नहीं, आपके स्किल के बेसिस पे आपको जॉब मिलता है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि आपको जॉब लगवाने का कोई भी पैसा वगैरह चार्ज नहीं करते हैं, कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह नहीं होता है। एंड यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे लोगों का जॉब लगवाया भी है। और यहाँ पे आपको सैलरी कितना मिल सकता है, तो यहाँ पे आपको सैलरी 4 लाख पर एनम से लेके 15 लाख रुपीज पर एनम तक का सैलरी मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आपका जॉब का कौन सा प्रोफाइल है, आप किस प्रोफाइल के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे अगर आप एक फ्रेशर है या तो आप एक्सपीरियंस है, आप जॉब करना चाहते हैं, तो यहां पे रीलेबल आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रीलेबल का लिंक मिल जाएगा, तो सिंपली उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली रीलेबल के वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं कि यह 50-30-20 रूल है क्या, जो आपको मंथली बजट प्लानिंग में हेल्प करता है। तो ये बेसिक सा बिल्कुल सिंपल सा रूल है और बेसिकली ये रूल ये कहता है कि जो भी आपका आफ्टर टैक्स मंथली इनकम है उस इनकम को आपको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना चाहिए, पहला कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी और तीसरा कैटेगरी। यहाँ पे पहले कैटेगरी में ये बोला गया है कि जो भी आपका आफ्टर टैक्स मंथली इनकम है उस मंथली इनकम का आपको 50% आपके नीड्स के ऊपर खर्चा करना चाहिए, यानी कि जो जरूरत की चीज़ें हैं जिसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता, तो आपका जो मंथली इनकम है उसका 50% आपको अपने नीड्स पे खर्चा करना चाहिए। अब ये नीड्स में क्या क्या हो सकता है, तो फूड हो गया, क्लोथ हो गया, या तो आपके घर का EMI हो गया, या तो आपके घर का रेंट वगैरह हो गया, तो रोटी कपड़ा मकान सबसे जरूरत की चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके चिल्ड्रन का एजुकेशन हो गया, आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, इसके अलावा आपको बहुत सारा बिल्स वगैरह भी पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपका लाइट बिल हो गया, आपका गैस का बिल हो गया, आपका वाटर का बिल हो गया, आपका इंटरनेट कनेक्शन वाईफाई वगैरह का बिल हो गया, इसके अलावा आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ खर्चे हो सकते हैं जो आपके बिल्कुल जरूरत की चीज़ें हो। ये आपको ही पता होगा कि आपके लिए कौन सा चीज़ नीड्स है, किसकी आपको ज़रूरत है, जिसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड कैटेगरी में ये बोला गया है कि जो भी आपका मंथली आफ्टर टैक्स इनकम है उसका मैक्सिमम आपको 30% ही अपने वॉन्ट्स के ऊपर खर्चा करना चाहिए। अब ये वॉन्ट्स क्या होता है,
तो वॉन्ट्स का सिंपल मतलब यही होता है कि ये जो खर्चा होता है वो उतना जरूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप अपने खुशी के लिए, आप अपने प्लेजर्स के लिए ये खर्चा करते हैं। यहाँ पे नीड्स का मतलब आपको मैंने सिंपली ये बताया कि जो नीड्स वाला खर्चा है वो तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको सर्वाइव करना है, आपको जिंदा रहना है तो। लेकिन जो वॉन्ट्स वाला खर्चा है वो खर्चा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप इसमें से बहुत सारे खर्चे को अवॉइड कर भी सकते हैं एंड यहाँ पे आप अपने कुछ पैसे ज्यादा भी बचा सकते हैं। आप चाहे तो 30% से कम भी खर्चा करेंगे तो और भी ज्यादा बेटर होगा। अब ये वॉन्ट्स में क्या क्या आ गया, तो फॉर एग्जाम्पल होटल या तो मूवी का एक्सपेंसेस आ गया। किसी किसी पर्सन को लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का शौक होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई नया फोन आया या तो कोई नया लैपटॉप आया तो वो खरीदने का उनको शौक होता है। इसके अलावा किसी किसी पर्सन को दारू शराब पीने का आदत होता है, किसी किसी पर्सन को स्मोकिंग या तो सिगरेट वगैरह पीने का आदत होता है। यहाँ पे मैंने किसी किसी पर्सन को ऐसा भी देखा है कि दिन का 10 सिगरेट पी जाते हैं। अगर मैं एक सिगरेट का कॉस्ट 10 रुपये भी मान के चलता हूँ तो 10 सिगरेट का कॉस्ट एक दिन में होता है 100 रुपया, महीने का होता है 3000 रुपया। यानी यहाँ पे अगर आप 3000 रुपया हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो अगर 10% का भी अगर आपको रिटर्न मिलता है ना तो आप अपने रिटायरमेंट के टाइम तक करोड़पति डेफिनेटली बन जाएंगे, जो मैं भी आगे आपको बताऊंगा अभी। इसके अलावा और भी कोई भी अवॉइडेबल एक्सपेंसेस हो सकता है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, तो सिंपली वहां पे वॉन्ट्स में बोला गया है कि आपको मैक्सिमम 30% ही पैसा खर्चा करना चाहिए, लेकिन आप बहुत हद तक इस खर्चे को और भी कम करके आप 30% से कम खर्चा करेंगे तो वो और आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद यहाँ पे थर्ड कैटेगरी में यह बोला गया है कि जो भी आपका मंथली आफ्टर टैक्स इनकम है उसका 20% आपको सेविंग एंड इन्वेस्टिंग पे करना चाहिए। यहाँ पे आपने अपने मंथली इनकम का 50% नीड्स पे खर्चा कर लिया, 30% आपने वॉन्ट्स पे खर्चा कर लिया, तो जो बचा हुआ 20% है आपको कम से कम इतना पैसा तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पे खर्चा करना ही चाहिए। अब ये सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज आ सकता है, तो यहाँ पे आपका इमरजेंसी फंड आ सकता है, फिर यहाँ पे आपका प्री पेमेंट ऑफ लोन हो सकता है। यहाँ पे आपने जो होम लोन लिया है उसका EMI तो आप नॉर्मली पे कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ पैसा अपने लोन का प्री पेमेंट भी करना चाहिए ताकि जो आपका लोन है वो समय से पहले खत्म हो जाए एंड यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़े। उसके अलावा यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं या तो आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको लर्न करना होगा, सीखते रहना पड़ेगा एंड मैंने यहाँ पे अपने चैनल पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में भी बताया है। इसके अलावा यहाँ पे आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप चाहे तो म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं या तो NPS हो गया या तो PPF हो गया या तो अटल पेंशन योजना हो गया, इस तरीके के स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको आपके किड्स का जो हायर एजुकेशन होगा उसके लिए भी आपको पैसा जमा करना होगा, हो सकता है आज से 10 साल 15 साल के बाद में उनको कोई हायर डिग्री का कोर्स करना होगा, तो यहाँ पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे एंड कुछ पैसा बचा के रखेंगे तो डेफिनेटली आप उनके हायर एजुकेशन के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। एंड यहाँ पे लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने अपने इमरजेंसी फंड का पैसा यूज कर लिया है तो वापस से सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड ही बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपका जॉब चले गया या तो कोई भी सिचुएशन हो सकता है जहां पे आपका मंथली इनकम आना बंद हो जाए लेकिन एट द सेम टाइम आपका मंथली एक्सपेंसेस तो होगा ही, तो यहां पे हमेशा आपके पास में इमरजेंसी फंड होना चाहिए कम से कम 6 महीने का, यानी कि जो भी आपका मंथली इनकम है उसका कम से कम 6 महीने का तो इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। यहां पे अब हम एक एग्जांपल को भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो यहां पे हम मान के चलते हैं कि किसी पर्सन ने अभी अभी जॉब करना स्टार्ट किया है, तो जो इनका स्टार्टिंग मंथली सैलरी है वो हम मान के चलते हैं कि इनको हर महीने का आफ्टर टैक्स 25,000 रुपये का सैलरी मिल जाता है। इसके अलावा इनका जो अदर इनकम है उसको हम 0 मान के चलते हैं, तो यहाँ पर जो इनका टोटल मंथली इनकम हो गया आफ्टर टैक्स वो हो गया 25,000 रुपये का। तो यहाँ पे हम अपने रूल्स के हिसाब से सबसे पहला जो भी हमारा मंथली इनकम है उसका 20% हम अपने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए साइड में रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है नीड्स एंड वांट्स के ऊपर पैसा खर्चा करने के बाद में मेरे पास सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी पैसा ही ना बचे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला अपने इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग के लिए कुछ पैसा साइड में कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे 25,000 का 20% कितना होता है, तो वो होता है 5,000 रुपीज। उसके बाद यहाँ पे बोला गया था कि जो भी आपका मंथली इनकम है उसका आपको मैक्सिमम 50% पैसा ही नीड्स के ऊपर खर्चा करना चाहिए। तो यहाँ पे 25,000 रुपीज़ का 50% कितना होता है, तो वो होता है 12,500 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे बोला गया था कि जो भी आपका मंथली इनकम है उसका आपको मैक्सिमम 30% पैसा ही अपने वांट्स के ऊपर खर्चा करना चाहिए, यानी कि जिससे आपको खुशी मिलता है। तो यहाँ पे 25,000 रुपीज़ का 30% कितना होगा, तो वो होगा 7,500 रुपीज़। तो यहाँ पे जब आप अपना जॉब वगैरह स्टार्ट करते हैं, अपना करियर स्टार्ट करते हैं, तो आप इस तरीके से अपना मंथली बजट का प्लानिंग बना सकते हैं।
लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपका सैलरी भी बढ़ते जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 साल बाद की बात कर लूँ, यानी यहाँ पे जो आपका सैलरी है वो हर साल हम मान के चलते हैं 10% से बढ़ता है, तो 5 साल बाद आपका जो सैलरी है वो हो जाएगा 40,000 rupees पर मंथ, आफ्टर टैक्स की बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे टोटल इनकम को हम जीरो मान के चलते हैं, तो यहाँ पे जो आपका टोटल मंथली इनकम होगा आफ्टर टैक्स आफ्टर 5 ईयर वो होगा 40,000 rupees पर मंथ। तो यहाँ पे हम थोड़ा स्ट्रैटेजी में अभी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं 20% पैसा इन्वेस्ट करता था, अब यहाँ पे मैं 40% पैसा सेव एंड इन्वेस्ट करूँगा। तो 40,000 rupees का 40% कितना होगा, तो वो होगा 16,000 rupees। उसके बाद यहाँ पे मैं 40% पैसा अपने नीड्स के ऊपर खर्चा करूँगा जो कि होता है 16,000 rupees। पहले मैं कितना करता था, 50% जो कि होता था 12,500 rupees, लेकिन मैं यहाँ पे 12,500 से ज़्यादा ही पैसा अपने नीड्स के ऊपर खर्चा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा पहले 12,500 में काम चलता था, तो 16,000 में तो डेफिनेटली काम चल ही जाना चाहिए। यहाँ पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कुछ एक्सपेंसेस को। इसके अलावा यहाँ पे हम अपना 20% पैसा अपने वांट्स के ऊपर खर्चा करेंगे जिससे हमें खुशी मिलता था। तो पहले मैं 7,500 rupees खर्चा करता था वो अपने वांट्स के ऊपर, अब यहाँ पे मैं ज़्यादा ही पैसा उल्टा खर्चा कर रहा हूँ जो कि है 8,000 rupees। तो यहाँ पे इस तरीके से जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे वैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। इससे जो आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स है वो डेफिनेटली अचीव होगा। यहाँ पे अब हम एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी पैसा इन्वेस्ट करना क्यों स्टार्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने 3 एग्जाम्पल लिया है। पहला ये है कि जो रमेश है उन्होंने 20 साल के एज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, और वहीं पे जो सुरेश है उन्होंने 30 साल के एज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है, और वहीं पे जो दिनेश है उन्होंने 40 साल के एज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है। इनका जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो हम मान के चलने के जो तीनों लोग हैं वो हर महीने 5,000 rupees इन्वेस्ट करने वाले हैं। एंड यहाँ पे इनका जो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, तो जब तक इनका उम्र 60 साल नहीं हो जाता तब तक वो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि जनरल तौर पे लोग 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इनका जो नंबर ऑफ ईयर पैसा इन्वेस्टेड होगा, कितने साल तक ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे रमेश ने 20 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, तो 40 साल तक वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद उनका जो एज है वो हो जाएगा 60 साल। फिर यहाँ पे सुरेश ने 30 साल के एज में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे और ये 30 साल पैसा इन्वेस्ट करेंगे तब इनका एज हो जाएगा 60 साल। और वहीं पे दिनेश ने 40 साल की उम्र में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, तो ये 20 साल पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद इनका भी जो एज है वो हो जाएगा 60 साल। एंड यहाँ पे अगर मैं रिटर्न्स की बात कर लूँ, तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि इनको 10% तीनों ही लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न्स मिलता है। तो यहाँ पे इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो आप देख सकते हैं कि तीनों का कितना इन्वेस्टमेंट है। पहले वाले का है 24 लाख, दूसरे वाले का है 18 लाख, एंड तीसरे वाले का है 12 लाख। तो यहाँ पे 60 साल के एज में इनको कितना पैसा मिलेगा, तो जो रमेश है इनको टोटल 3.2 करोड़ रुपीस मिलेंगे, जो सुरेश है उनको टोटल 1.1 करोड़ रुपीस मिलेंगे, एंड वहीं पे जो दिनेश है उनको टोटल 38.3 लाख रुपीस मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों ही लोगों ने 5,000 rupees से पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, लेकिन रमेश ने बहुत यंग एज में ही पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितना ज़्यादा पैसा बना लिया। सुरेश ने 10 साल लेट स्टार्ट किया, तो उन्होंने रमेश से आधे से भी कम पैसा बनाया। यहाँ पे रमेश ने 3.2 करोड़ बनाया, तो यहाँ पे सुरेश ने सिर्फ 1.1 करोड़ ही बनाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50% से भी कम पैसा बनाया। और वहीं पे दिनेश ने, उन्होंने 20 साल लेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, तो उन्होंने तो सिर्फ 38.3 लाख रुपीस ही बनाया। तो यहाँ पे एडवाइजेबल ये होता है कि आप जितना यंग एज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे आपको लॉन्ग टर्म में उतना ही ज्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। फिर यहाँ पे एट द एंड अगर हम बात कर ले कंक्लूजन की, तो यहाँ पे जो भी हमने 50% 30% एंड 20% रूल को डिस्कस किया है, ये बेसिकली आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे काफी हेल्प करता है जब आप नया नया जॉब करना स्टार्ट करते हैं एंड आपके पास में कोई भी मंथली बजट का प्लानिंग नहीं होता है, तो उस टाइम पे ये रूल आपको काफी हेल्प करता है। फिर यहाँ पे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है आप और भी ज्यादा फाइनेंशियली डिसिप्लिन होते जाते हैं, तो आगे चल के आप अपना खुद का भी एक फाइनेंशियल रूल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहे तो अपना 40% पैसा नीड्स पे खर्चा करेंगे, बाकी का जो 40% है वो आप चाहे तो आप अपने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, एंड बाकी का जो 20% बचता है वो आप चाहे तो अपने वांट्स के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपना फाइनेंशियल रूल बना सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आप मंथली इनकम करते हैं उसमें से कुछ पैसा आपको हर महीने तो इन्वेस्ट करना ही होगा, ताकि फ्यूचर में आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल अचीव हो पाए, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो।
तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पे रीलेवल आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पे लिंक पे क्लिक करके आप वहां पे रजिस्टर वगैरह करके टेस्ट वगैरह देके जॉब ले सकते हैं। और यहां पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।